एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जो श्रृंखला चालू किए हैं प्रेम विवाह के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम जो चर्चा करेंगे कि सरकार में जो उच्च अधिकारियों के बीच में प्रेम संबंध बनते हैं या प्रेम विवाह होते हैं, तो उसको किस तरह से देखा जा सकता है। बाकी तो जो आप पुराने वीडियो हैं इस श्रृंखला के, उनको देखिए, उसके अनुसार से प्रेम भाव के लिए जो भाव हैं उनको देखना चाहिए। जैसे कि सप्तम भाव, पंचम भाव का संबंध, ग्यारहवें भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, लग्न आदि का जो संबंध बताए हैं वो देखिए। उसके साथ में आप, हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जैसे कि आपके सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, इस पर विशेष ध्यान देना है कि ये जो प्रशासन के ग्रह हैं और इनका जब संबंध जो रहता है वो शुक्र ग्रह जो प्रेम का है और विवाह का कारक है उससे बनता है, तो किस तरह से ये पुलिस में, जल सेना आदि में किस तरह से अधिकारियों को देखा जाएगा। ऐसे ही इंजीनियर है, कंप्यूटर विशेषज्ञ है, चिकित्सक हैं आदि के बारे में कौन से ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप अपनी कुंडली में देखें वो दर्शाता है कि ये उच्च अधिकारियों के बीच में प्रेम संबंध बनेंगे और साथ साथ में विवाह भी हो परिणित हो सकते हैं। अगर वो शुभ योगों में होंगे तो परिणित होंगे, अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो वो परिणित नहीं होंगे, और किस तरह से वो सारे प्रेम विवाह के बाद में वो अच्छे संबंध चलेंगे, इन सब के हमारे वीडियो बने हुए हैं, उनको भी इसके साथ में देखना होगा। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उच्च अधिकारियों के बीच में प्रेम संबंध और प्रेम विवाह बनते हैं, तो जैसे मान लो कोई पुलिस में है, आजकल के मालूम है कि हर जगह पे स्त्री पुरुष जो रहते हैं वो हर विभाग में साथ में काम करते हैं, मिलते हैं, तो इस तरह के योग बन जाते हैं। तो पुलिस में अगर है तो जो है आपका स्थल सेना हो जाएगी, सीमा सुरक्षा दल हो जाएगा, तो इनके जो अधिकारी होते हैं तो इसमें मंगल, शनि और शुक्र की स्थिति जितना बनती है, बलवान बनती है और इनका संबंध एक दूसरे से बनते हैं, तो ये इसका योग बना देगा। ऐसे ही जल सेना में आपको देखना चंद्र का रोल आ जाएगा, तो चंद्रमा, मंगल और शुक्र, तो जल सेना के जो अधिकारी कार्य करते हैं तो उनका इस तरह का चंद्र, मंगल, शुक्र का योग बनेगा, तो ये प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा और प्रेम विवाह भी हो देगा। ऐसे हवाई जहाज वगैरह में जो काम करते हैं तो वहाँ पे जो व्यक्ति अधिकारी होते हैं तो उनका गुरु मंगल शनि का विचार किया जाएगा, साथ साथ में शुक्र ग्रह का। ऐसे जो आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका है, वकील है, शिक्षक है, संपादक है, भाषण वाले लोग हैं, तो इसमें बुध, गुरु तथा शुक्र और पंचम, नवम, दशम भावों का विशेष विचार किया जाता है। ऐसे जब सर्जन लोग होते हैं, पैथोलॉजी विशेषज्ञ होते हैं, एक दूसरे एक्सरे विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर हैं और कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, तो इस तरह से जो वैज्ञानिक आदि हैं, तो इनमें आपको शुक्र के साथ में मंगल शनि का भी देखना होगा और इनके आपसी संबंध बनने पे ये दर्शाता है इनके प्रेम संबंधों का और प्रेम विवाह के बारे में। ऐसे जो चिकित्सक हैं तो उसमें आपको चंद्र, मंगल, शुक्र तथा शनि का विशेष योगदान देखना होता है। तो जो विधायक हैं, सांसद हैं, इसमें बुध, गुरु, शुक्र का विचार किया जाता है। तो इन सब के जो ग्रह बताए हैं इनका जब भी संबंध अपने कुंडली के सप्तम भाव, पंचम भाव इनके स्वामी बन के रहें या सप्तम भाव, एकादश भाव के स्वामी हो और इस तरह से लग्न के स्वामी हो, सप्तम भाव का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी से अगर वहाँ बैठ के पंचम भाव को देख रहा है, तो पंचम सप्तम भाव के आपसी संबंध हो इन ग्रहों के द्वारा युति करें, तो ये जो अंतरजातीय विवाह के लिए या प्रेम भाव के लिए जो भाव बताए हैं उनका संबंध हो और इनके उनके स्वामी जो बनते हैं, जो ग्रह बताए हैं वो उनसे बनता है, तो वो बनते हैं तो आपका जो है
आप इन उच्च अधिकारियों का प्रेम संबंध, प्रेम विवाह का योग बना देते हैं। आप प्रेम विवाह असफल होने के लिए हमने बताया कि जो ग्रह हैं वो अगर अलगाववादी ग्रहों का ज्यादा प्रभाव पंचम भाव, सप्तम भाव, 11वें भाव पे होगा, तो लग्न पे होगा, तो वो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। परंतु तो उनका अच्छा संबंध अगर वो सौघर्य होके लग्न में, द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में अच्छे होंगे, तो इनके विवाह भी में परिणित होंगे और अच्छे संबंध विवाह के बाद भी बने रहेंगे। तो इस तरह आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि उच्च अधिकारियों के बीच में जो के संबंध जो बनते हैं उसको कैसे अपने कुंडली में, जो जातक का जातक अपने कुंडली में देख सकते हैं, और उसके अनुसार आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारी जो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।